मैंने अपने लिए अंडा सैंडविच बनाया. दिस इज पॉप चिप्स. 6 घंटे में मैंने 2 टॉपिक कर दिए. भाई फर्रे बना रहे थे. भैया एक्स्ट्रा ऑरिगैनो देना. गुड मॉर्निंग गाइज. इतनी एनर्जी से पता नहीं मैं क्यों उठी हूँ अभी, बट मैं सो गई थी. आई वोक अप अराउंड 5:36 एंड देन आई फॉरगॉट टू शूट. मैंने 6 to 8 पढ़ा, CNS infections, माइक्रो पढ़ा. एक तो मेरे को माइक्रो पढ़ के ऐसा लगता है ना कि यार इतने सारे इन्फेक्शन है, हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है लिटरली. एनीवे मैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स पढ़ने जा रही हूँ. मेरे को पता है मुझे उससे डिप्रेशन होने वाला है, बट कोई नहीं. क्या मस्त सेलिब्रिटी टाइप फील आ रही है कि मैं कैमरा लगा हुआ है और मैं पढ़ रही हूँ. बट मेरे को याद आया शिट मुझे एंटी हिस्टामिनिक्स भी करना है, तो मैंने पहले एंटी हिस्टामिनिक्स करा है. अब मैं थोड़ी देर सो रही हूँ और उसके बाद मैं पढ़ूंगी. मैंने अभी एक मीम पढ़ा था इंस्टाग्राम पे, उसमें लिखा था स्लीप साइकिल की तो चेन ही टूट गई है. सो गाइस मैंने 1 घंटे का बहुत ही मस्त नैप लिया है. मैंने अपने लिए अंडा सैंडविच बनाया है और मैं कॉलेज जा रही हूँ क्योंकि मेरी गायनी की पोस्टिंग में मेरी अटेंडेंस कम है. वेल डन. वार्ड लीव एग्जाम होता है, आफ्टर एवरी पोस्टिंग हैव टू गिव अ वार्ड लीव, एंड मैंने वार्ड लीव दिया है, मेरा एब्सेंट दिखा रहा है फॉर सम रीजन. दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस. तो गुस्सा आता है ना, पेपर है 5 दिन में ये सब काम करा रहे हैं, बट कोई नहीं मेरे को जाना है. फिर आई गेस माई फ्रेंड अलवेरा विल बी कमिंग होम. मैं उसको बोल रही हूँ कि तू हॉस्टल में ना पढ़ पा रही है ढंग से, ना खा पा रही है, हॉस्टल में बहुत डिस्टर्बेंसेज होती है, प्लस वहाँ का खाना बहुत बेकार है. तो मैंने उसे बोला 1-2 दिन आ यहाँ पे रह, खाना वाना खा अच्छे से, फिर जाइयो. आई एम रेडी टू गो टू कॉलेज. मैं बहुत ज्यादा स्लीपी लग रही हूँ क्योंकि मैं अभी उठी हूँ, बट ठीक है जाना तो पड़ेगा. मोटिवेशनल क्वोट ऑफ द डे. जाना तो पड़ेगा. सो गाइस आई एम हियर एट द पोस्टिंग और आई डोंट थिंक मेरे अलावा यहाँ कोई भी आया है. मैं अपने ही हॉस्पिटल में खो चुकी हूँ, मेरे को नहीं पता कि कहाँ जाना है. तुम लोग क्या कर रहे हो? तू क्या कर रहा है? हमारा एक्स यार. भाई पढ़ रहा हूँ यार. तेरी कितनी अटेंडेंस कम है? इसकी सबसे ज्यादा कम. ठीक. व्हाट हैव यू बीन अप टू? ये हमारे एग्जाम से 4 दिन पहले बिग बॉस देख रहे हैं. इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास. फाइनली पोस्टिंग खत्म हो गई है. ओह गॉड, एक और बची है, बट ठीक है कोई नहीं. नोवान की कितनी बची है? 5 पोस्टिंग तो आए कितने दिन है. हमारा कॉलेज इसीलिए इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी एनास्टोमोसिस चल रहा है, हमारा एनुअल फेस्ट, और सोचो हम ही लोग नहीं जा पा रहे, इतना सिलेबस है ना. बहुत बुरा हुआ भाई. सो गाइस हम कॉलेज से आ गए हैं DLF प्रोमेनाड और ये पूरे रास्ते सो रही थी. आज ही मेरे घर पर रुकेगी. यहाँ सो वी विल गो स्टडी इन स्टारबक्स. Not aligning with my chakras. Hey guys, so because Vidhi is having her exams, she's been eating a lot of junk at night. She'll order in and we won't get to know, but we do get to know. हमें ना गैस सब कुछ पता चल जाता है क्योंकि सुम्मी सब बताती है. सुम्मी हमारी इनफॉर्मेंट है. So we decided to come to the supermarket here and get her some healthy snacks. वो कुछ भी अच्छा खाती है, मुश्किल हो रहा है. कौन पास्ता चॉकलेट ले उसके लिए? वो तो खाती नहीं है. ये बोलो कि तुम्हें खुद खानी है. फ्लैश बैक. बटर मिल्क पैनकेक्स. एंड अ फ्लैश बैक. आई डोंट ईट स्वीट. किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं. स्वीटिंग सम वेजी स्टिक्स बिकॉज़ विराट कोहली ने बोला इट्स. It's a very, very special moment. So I'm also taking one pack of makhana. Why? Itna makhana kyun? Maybe you like that song. Tere pyar ka rang dara chakhna, oye makhana. You need to be locked in prison for a very long time. Oh, Vindi.
and chukandar and sweet potato. Wow. You can read the brochure. I think these would be heavier than the chips we bought, no? Guarantee hai Vidhi ko nahi acha lagega, but le sakta hu. Bhindi hai ye. It's a vacuum fried, not deep fried. Oh, I'm convinced. Ye Shark Tank mein likha tha maine. This is pop chips. Popping. एक नई टेक्नोलॉजी है. It looks interesting. If Vidhi doesn't want it, then I'll have it. मुझे लग रहा है मेजॉरिटी तुम ही खाओगे. नहीं नहीं, it's fine. And that will remain the official party line. Okay, so the last thing we're taking is quinoa puffs. This is high in protein and fiber. That's it. That's the end. No more. So we're done. Going home now. The next day. Good morning, guys. सुबह के 9:40 हो चुके हैं. मेरे को पता नहीं मैंने लास्ट कब शूट किया, कहाँ से शूट किया, बट आई एम पिकिंग अप फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट. मैं अभी पढ़ रही हूँ सेक्स हॉर्मोन्स के बारे में. मेरे नोट्स गाइज अगर आप देखोगे तो बहुत सुंदर है वैसे, मतलब बस मुझे इनमें कुछ याद नहीं रहता. और यहाँ पे अलवेरा पढ़ रही है. देखो कुछ याद हो रहा है? नहीं, मैं एक वर्ड पहले जो पढ़ रही हूँ वो भूल जा रही हूँ, है ना. गाइस हमारे टीचर्स ही हमें पास करा सकते हैं, हमें कुछ नहीं याद हो रहा है. इतना मुश्किल है ना फार्माकोलॉजी, बट फिर भी हम पढ़ रहे हैं भाई. लेट्स गो. विश अस ऑल द बेस्ट. 2 hours later. बुक से ही पढ़ लिया, मैंने वीडियो भी देख ली, मैंने अपने नोट्स भी बना लिए. बट द थिंग इज, पेपर से एक दिन पहले ना इतना सब कुछ रिवाइज नहीं हो पाता है. और हमारे तो पेपर भी एक के बाद लिटरली नॉट इवन वन डे गैप, तो सो दैट यू कैन रिवाइज. एंड सिलेबस आपको पता ही है, एमबीबीएस फार्मा का ही इतना सारा सिलेबस है. सो मैं क्या करती हूँ, एक बहुत अच्छा फीचर हमारों का, दैट इज पर्ल्स. उसमें क्या होता है कि आपको सबसे लंबे लंबे टॉपिक्स बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कंसाइज टैबुलेटेड फॉर्म में दिए होते हैं. एंड इट्स लाइक लिटरली अ होली ग्रेल फॉर रिविजन. अब मैं आपको दिखाती हूँ. तो डिफरेंस बिटवीन कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, मेरे को पढ़ने में काफी आधा घंटा लग गया. और ये टैबुलेटेड फॉर्म में है, इस यू विल गेट द मार्क्स. एंड अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने हैं तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एडवर्स इफेक्ट्स है इसमें, फंक्शंस है इसमें, ऑर्डर है इसमें, नेम्स है इसमें. इसके अलावा फार्मा में नहीं आता है. और मेरी बुक में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सेम चीज कम से कम नहीं तो 5-7-8 पेजेस की होगी. इवन मेरे नोट्स भी लंबे हो जाते हैं. सो गाइस इज द पर्ल्स फीचर ऑफ मैरो एंड इट्स लिटरली अ ब्लेसिंग. चाहे नीट पीजियो या हमारे प्रोफ्स हो, मतलब इट्स ट्रूली अ जेम. और बहुत सारे लोगों ने ऐसे मैरो के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछे हैं जो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बताती हूँ. अलवेरा जा रही है कॉलेज और मैं सोने जा रही हूँ. 12 बज गया है और हमारा काइंड ऑफ प्रोडक्टिव डे था. व्हाट वुड यू लाइक टू से? आई वुड लाइक टू से कि 6 घंटे में मैंने 2 टॉपिक पढ़े. क्योंकि ये फोन यूज कर रही थी, मैं नहीं कर रही थी. जो सीआर थी, शी इज द सीआर ऑफ आवर क्लास. मैंने सेक्स हॉर्मोन्स पढ़ा, मैंने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ा, मैंने साल्मोनेला टाइफी पढ़ा और मैं निन्नी कर रही. कौन है? कौन है? हाय गौरव. विधि के घर पे पार्टी चल रही है क्या? चुप रहे भाई, साथ बैठ के चीटिंग करने की प्रैक्टिस कर लो. वही तो कर रहे हैं भाई, फर्रे बना रहे थे और क्या करेंगे. ओ यार, फर्रे की फोटोकॉपी निकाल दी. मेहनत जो है ना इंसान को खुद ही करनी चाहिए. से पढ़ियो, मंडे को मिलता है. हाँ ठीक, ओके, गुड नाइट. सेवरल स्वीट ड्रीम्स लेटर. जो बिजली सेट सेट में जाना, ठीक है? कल रात दरवाजा क्यों खोला था? कौन आया था? मुझे पता था, मुझे पता था. क्या मैं अनहेल्दी स्नैक्स खा रही? मैंने छुपाया भी नहीं था, मैंने सामने डस्टबिन में डाला था. दरवाजा खुला था, मैं 2 बजे उठी थी. मैं कहीं पक्का इसने मंगाया है. Like I'll confront her tomorrow. So very bad with it. कोई वेरी बैड नहीं है. मैंने अपना सारा खाना खाने के बाद, मुझे रात को भूख लगी थी इसलिए मंगवाया था. हाँ, वेरी बैड कि आपको इतनी भूख लगती है. अजीब जानवर है. So for this we have taken out a solution. रुक जाओ, मैं लेके आती हूँ. ना मेरे को तैयार करवाया ये बोलने के लिए तुमने कल रात को डोमिनोज मंगवाया था. We have got you some healthy snacks. Oh God! जब रात को भूख लगेगी तो आप ये खा सकते हो. These are all much less fattening and have little bit of puffs. Okay, ये तो मैं खा सकता हूँ. हाँ. Sweet chipotle, मुझे इसका मेरे को पता नहीं. ये मैं भिंडी कड़ी खा रहा हूँ. अरे ये भिंडी चिप्स. नहीं मामी जी. अरे दीदी, this is healthy day. इसमें क्या क्या है? मखाना मैक्रोनी. अरे दीदी, ये this is healthy मैक्रोनी. फॉक्स नट पाउडर से बनाई है मैक्रोनी. नहीं मामी. ये अच्छा है. This is cashew cream and onion.
थैंक यू फॉर एवरीथिंग एक्सेप्ट मखाना मैक्रोन एंड भिंडी. दिस इज रियल भिंडी, इट्स जस्ट दैट इट्स वैक्यूम फ्राइड. सोचो मैं एक जगह डोमिनोज खा रही हूँ और एक जगह मैं ये भिंडी चिप्स खा रही हूँ. मेरे को और मोटिवेशन खत्म हो जाएगी लाइफ में पढ़ने के लिए. दिस इज मच मोर हेल्दी फॉर यू एंड प्लीज यूटिलाइज दिस नाउ. ठीक है, हमने बहुत पैसे दे गए खरीदे. मुझे चाहिए नहीं कि दोबारा कोई डोमिनोज वाला आए. अब जब ये खत्म हो जाए तो बता. अब वो यूज करना पड़ेगा डोंट रिंग द डोरबेल ऑप्शन. रिंग नहीं हुई थी पर मैं जगी भी थी और मैं सुन रही हूँ दरवाजा खुला हो और फिर बंद हुआ और फिर उसके बाद वो लॉक भी नहीं हुआ. मैं उठी ये लॉक नहीं हुआ. अरे नहीं मैं उठा, मैंने बंद किया फिर मैंने कहा भैया एक्स्ट्रा ऑरिगैनो देना. एक ही ऑरिगैनो से खा लेता. अरे ना आती भी ऐसे खट खट करके नीचे आती है ना. ये इसने पक्का कुछ मंगाया है. डोरबेल रिंग नहीं हुई थी. डोरबेल रिंग होने से पहले ही मैं चला जाता हूँ. ठीक है कोई नहीं मैं खा लूंगा. So guys, that was the end of today's video. बहुत टाइम बाद इस बार हमने वीडियो रिलीज किया क्योंकि विधि बहुत बिजी थी और इससे भी ज्यादा बिजी मैं था. नहीं एक्चुअली आई एम द यू नो कंटेंट क्रिएटर ऑफ द चैनल, एवरीबॉडी नोज दिस. सो इसलिए और मेरे परसों से एग्जाम्स है गाइस, विश मी बेस्ट ऑफ लक. यस विधि फाइनली हैज अ डेट इन हर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ डेट शीट. तकलीफ दर्द और दुख. Make sure you subscribe. One random subscriber will get a Super Geeks t-shirt. And also share it with all of your friends जिनके exams चल रहे हैं इस time पे. मतलब I know it's a terrible time right now, prof season. And we'll see you in the next one. Bye. ये याद है? Oh shit. लेना? नहीं, never. Tell them the story. हमने एक बार ये वाला jar लिया था. We finished it in 2 days. Yeah. Then we went and got another one. हम ऐसी चम्मच से खाते थे. I gained like 7 kilos, 7 kgs. Bye, don't know. Stop looking at us. So time for your questions. दिशा ने मुझसे पूछा है कि मैरो फर्स्ट ईयर में लेने की जरूरत है या थर्ड ईयर में ही लेना चाहिए. अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप मतलब, बट मेरे को तो काफी जरूरत थी. मेरे को वीडियो से ही पढ़ाई होती है तो मैंने फर्स्ट ईयर से लिया था एंड इट हैज हेल्प मी. मैरो नोट्स फर्स्ट और सेकंड ईयर, यस डेफिनेटली दोनों ईयर्स के लिए इम्पोर्टेंट है. बट हाँ यू शुड ऑल्सो सी द वीडियोज, उससे आपको ज्यादा समझ में आएंगे कि नोट्स में क्या लिखा है. तो मेरे को तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में हेल्प किया. देखो यार कंटेंट तो सेम है बट मैरो नीट पीजी के लिए तो ऑब्वियसली थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें होंगी. वो एक्स्ट्रा चीजें आप मत पढ़ो जब आप प्रॉफ के लिए पढ़ रहे हो. तो संचिता इज आस्किंग कि मैरो सफिशिएंट है एमबीबीएस प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई उसे ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करनी चाहिए या उसको कोई और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहिए. आई थिंक डेफिनेटली नॉट, यू शुड ओनली गो फॉर वन सब्सक्रिप्शन. इतना सब कुछ है ना मैरो में पढ़ने के लिए, आपको उसके बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी. उतना ही आप सफिशिएंटली अच्छे से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वीडियोस देखोगे, रिवाइज करोगे, पर्ल से क्विजेस दोगे, टेस्ट दोगे, दैट्स इनफ. क्या नाम है उसका, शर्मा क्या है उसको, क्या बोलते हैं, शावरमा. हाँ शावरमा. कब मंगवाया? कल मंगाया था. खाना नहीं खाया उसने? नहीं. तूने उसको कुछ बोला नहीं? बोला था, उसने बोला था कि थोड़ी देर में खाऊंगी पर उसको भूख नहीं लगी. क्यों, भूख क्यों नहीं लगी? क्योंकि वो दो दो वगैरह पी लिया ना.